पिंक सिटी प्रेस क्लब लिमिटेड जयपुर की प्रबंध कार्यकारिणी 2024-25 के वार्षिक चुनाव के लिए शनिवार को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। प्रबंध कार्यकारिणी के 15 पदों के लिए कुल 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान में 1113 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी LL शर्मा ने बताया कि इनमें अध्यक्ष पद के लिए 6, महासचिव पद के लिए 4, उपाध्यक्ष के पदों के लिए 5, कोषाध्यक्ष के 1 पद के लिए 3 और कार्यकारिणी के 10 पदों के लिए 20 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार योगी ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए अभय जोशी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़, बिल्लू बना, बबीता शर्मा, भागीरथ, राधा रमन शर्मा, भूपेश कुमार, टिंकर। महासचिव पद के लिए मुकेश चौधरी, रामेंद्र सोलंकी, राहुल शर्मा गौतम, योगेंद्र शर्मा पंचोली। उपाध्यक्ष पद के लिए दिनेश कुमार सैनी DK, निखिलेश शर्मा, परमेश्वर प्रसाद शर्मा, राहुल भारद्वाज, विमल सिंह तंवर तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए अनिल त्रिवेदी, गिरिराज प्रसाद गुजर, DC जैन चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार कार्यकारिणी सदस्य के लिए अनिता शर्मा, ओमवीर भार्गव, उमंग माथुर, एवज पांचाल, डॉक्टर मोनिका शर्मा, डॉक्टर सैयद शहनवाज अली, नमोनारायण अवस्थी, प्रकाश सिंह चौहान, पुष्पेंद्र सिंह राजावत, राघव शर्मा, लोकेंद्र सिंह, विकास आर्य, सत्य पारिक, संजय गौतम पंडित जी, संतोष कुमार शर्मा, सनी आत्रे, सिद्धार्थ उपाध्याय, सुंदर सिंह चौहान, शालिनी श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र मिश्रा ने प्रत्याशी बनाया है। मतगणना रविवार को प्रातः 9 बजे से की जाएगी। पिंक सिटी प्रेस क्लब लिमिटेड की प्रबंध कार्यकारिणी 2025 के होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए 22 मार्च से नामांकन पत्र स्वीकार किए गए थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी LL शर्मा ने बताया कि नामांकन पत्र 22 और 23 मार्च को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लिए गए थे। नामांकन पत्रों की जाँच 26 मार्च 2024 को दोपहर 3 से 5 बजे तक हुई। उन्होंने बताया कि 27 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नाम वापिस लिए गए। मतदान 30 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतों की गिनती 31 मार्च को सुबह 10 बजे से की जाएगी। बताया कि अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के एक एक पद, उपाध्यक्ष के लिए 2 पदों और प्रबंध कार्यकारिणी के लिए 10 पदों के लिए चुनाव होना है। प्रबंध कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी LL शर्मा ने बताया कि चुनाव संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन मंडल का गठन किया दिया गया है। इसमें सुरेश योगी को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। इनके साथ ही श्याम सुंदर माथुर, अशोक भटनागर, सुनील शर्मा फोटो जर्नलिस्ट और प्रेम शर्मा को सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है।